तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर ये तीसरा सेट एमबे का, और ये सेट जो है आपको दिया गया है 2015 के पेपर से, जो एमबे की किताब में आपको, जो उनके 133 सेट वाली किताब हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर ये तीसरा सेट, और बेहतर रिस्पांस आपसे मिल रहा है और मैं चाहूँगा ये रिस्पांस आप बनाए रखें और लाइक कमेंट और शेयर करते रहें ताकि बेहतर वीडियोज़ आपको आसानी से उपलब्ध होते रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर से आपका, जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्ले ग्राउंड है, जस्ट आउटसाइड माई हाउस यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, मीन्स एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है, और एक एडवर्बियल फ्रेज तो कभी उसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ जो आर है आपका वो जस्ट आउटसाइड में हाउस के अनुसार भी वैसे भी नहीं होता, और सब्जेक्ट हमारा रियल क्या है, अ प्ले ग्राउंड, तो फिर यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा वर्ब आपके। यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की गई कि ये वो शब्द होते हैं सारे एडवर्ब से एडवर्बल फ्रेजेस हैं जो अगर वाक्य के आरंभ में आते हैं तो आपको हमेशा फुल इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, और क्वेश्चन है ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। ये टॉल लाइक अ म्यूल एसएससी ने क्यों दे दिया ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे उसके बास्केटबॉल प्लेयर होने की जो एक क्षमता है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे कैन जो है वो पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे वास्तव में अगर मे होता या फिर कुछ और होता तो फिर शायद वहाँ पे ऑड होता, बट अगर यहाँ पे ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर है, मीन्स वाक्य जो है सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आपके। वैसे आप जानिए कोई अगर व्यक्ति बहुत लंबा है तो ही इज टॉल एज अ जिराफ, यानी ही एज टॉल एज अ जिराफ होता है। कोई अगर गधा है, बेवकूफ़ है, तो ही इज एज डेफ्ट एज अ ब्रश होता है। लेकिन एसएससी ने लाइक अ म्यूल करके क्यों दिया, क्योंकि म्यूल का उस बास्केटबॉल प्लेयर से कोई रिलेशन होना भी हो ही नहीं सकता, और म्यूल तो छोटा होता है, खच्चर जो होता है वो छोटा होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, हु डू यू थिंक आई मेट। एक्चुअली जब आप इस क्वेश्चन को शुरू में देखेंगे तो आपको लगेगा वाक्य तो सही है, हु डू यू थिंक आई मेट मीन्स मैं किससे मिला, लेकिन एक्चुअली मीट दो सेंस में प्रयोग होता है, एक जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और आप किसी से मिल गए, तो यहाँ मीट के साथ किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ एक मीट का दूसरा सेंस भी होता है जिसमें ये बताने की कोशिश की होती है कि आप एक प्लानिंग के तहत आप किसी से मिले। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है हु डू यू थिंक आई मेट, एक ये भी ऑप्शन हो सकता था कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन एसएससी ने माना है कि अगर आप ये सोचने की बात कर रहे हैं, यानी कहीं कहीं ये एक प्लानिंग है, यानी हु डू यू थिंक आई हैड प्लान टू मीट विद सेंस हमारा था, यानी यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो होगा हु डू यू थिंक आई मेट विद, यानी सी पोर्शन जो है गलत है, आई मेट विद यहाँ पे प्रयोग करेंगे आप। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हेवी लगेजेस व्हाइल ऑन अ जर्नी। शायद आपके लिए कॉमन हो, कभी भी अगर लगेज का प्रयोग है, फर्नीचर का प्रयोग है, सीनरी का प्रयोग है, ज्वेलरी का प्रयोग है, स्टेशनरी का प्रयोग है, क्रॉकरी का प्रयोग है, मशीनरी का प्रयोग है, और भी बहुत सारे वेस्टेज का प्रयोग है, और भी पोस्टेज का प्रयोग है, आयल का प्रयोग है, मिल्क का प्रयोग है, चाक का प्रयोग है, एक्विपमेंट का प्रयोग है, मिस्चीफ का प्रयोग है, संतान के रूप में ईसू का प्रयोग है, ऑफस्प्रिंग का प्रयोग है, ब्रेड का प्रयोग है, बटर का प्रयोग है, तो इन शब्दों के साथ नॉर्मली हम प्लूरल नहीं बनाते इनका, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो अगर यहाँ पे लगेजेस यूज किया गया है तो आपके लिए बहुत आसान है, यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा, लगेज हो जाएगा यहाँ पे। अंतिम कॉमन एरर हमारा है, अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश। अक्सर बच्चों को बताया जाता है कि कुछ कोटेशंस होते हैं या इस तरह के प्रोवर्ब्स होते हैं जो एग्जाम्स में कॉमन एरर के रूप में दिए जाते हैं, उन्हीं में से एक है, अगर आपको याद हो कि अ बर्ड इन द ट्री नहीं होता है, अ बर्ड इन द हैंड होता है, तो यहाँ पे जो एरर है आपका अ बर्ड इन द ट्री के बजाय हो जाएगा अ बर्ड इन द हैंड, तो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्ड टू इन द बुश, यानी यहाँ ट्री के जगह पे हैंड हो जाएगा। ये मैंने आपको दिया है कहावत के रूप में जिसके हिंदी होती है नौ नगद न तेरह उधार, मीन्स अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है, इसका कलर भी देख रहे होंगे चेंज हो गया है, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं जो आपको चेंज करने होंगे। तो
पहला क्वेश्चन है आपका, शुरू करते हैं. ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स. आप शायद इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे. अगर एक नेगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस नेगेटिव हो और दूसरी जो क्लास है वो नॉर या नीदर से शुरू होती है तो फिर हमें इन्वर्जन करना होता है. तो इन्वर्जन में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी. अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे नीदर ही डज स्माइल, अगर ये डज इधर होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं तो ए ऑप्शन फिनिश कर देते हैं. बी ऑप्शन है नॉर ही डज स्माइल, मैंने कहा इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो ये बी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा. सी ऑप्शन है नॉर डज ही स्माइल. हाँ हाँ यही बिल्कुल यही होगा, सी ऑप्शन आपका, यानी ही डज नॉट लाफ नॉर डज ही स्माइल हो जाएगा. आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा. यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम इन्वर्जन करते हैं यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके आप देख सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है वी मेट यस्टरडे, हैवेंट वी. शायद आपके लिए बहुत आसान हो क्योंकि आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा तो इसमें जानते होंगे. ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर हैवेंट वी कैसे हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डिडंट वी, ए ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ. मैंने आपको आगे बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हैं जिनके बाद हमें हमेशा जीरंड यूज करना होता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी यूज करनी होती, चाहे वो कैन नॉट हेल्प हो, चाहे वो कुड नॉट हेल्प हो, चाहे वो कैन नॉट बियर हो, चाहे कैन नॉट स्टैंड हो, चाहे विद अ व्यू टू हो, चाहे लुक फॉरवर्ड टू हो. बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको आईएनजी लेनी होती है. तो यहाँ हो जाएगा सी कुड नॉट हेल्प, इसके तुरंत बाद आपको आईएनजी आ जाएगी. शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग हो जाएगी और इसकी हिंदी हो जाएगी वो हंसने से खुद को रोक नहीं सकी, यानी वो हंसे बिना नहीं रह सकी. ये सारे वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, जिनके बाद हमेशा वर्ब प्लस ING आते हैं, जीरण का प्रयोग करते हैं और रेगुलरली आपके एग्जाम्स में ये दिए जाते हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो आपने बहुत ध्यान नहीं दिया होगा, बी कमिटेड टू, बी डिवोटेड टू, टेक टू वगैरह के बाद हमेशा वर्ब प्लस ING, बाकी आप जरूर देखिएगा काम आएगा आपके. नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमारा है द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस. इट कैन नॉट बी पॉसिबल, यू कैन अंडरस्टैंड कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है. हिंदी अगर आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संसार जो है बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है, मुसीबत का सामना कर रहा है. द वर्ड इज ऑलरेडी दिया गया है तो फिर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फेसिंग हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी द वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ अ क्राइसिस. क्राइसिस कोई चीज़ तो है नहीं कि आप उसके सामने खड़े हो जाओगे. कन्फ्रंट मीन्स होता है किसी चीज़ का मुकाबला करना, तो बेहतर है द वर्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस, मीन्स संसार जो है वो इस क्राइसिस का सामना कर रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल. जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ अंगूर लेकर के गया. ध्यान सुने, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अंगूर लेके गया. तो आई ब्रॉट माई मदर सम ग्रेप्स, संभव नहीं है, बेहतर नहीं आपके लिए. आई टुक सम ग्रेप्स, मैंने कुछ अंगूर लिए फॉर माई मदर, अपनी माँ के लिए. बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. तो आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स के स्थान पे हो जाएगा आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर. सी नहीं हो सकता क्योंकि आई टुक फॉर यहीं पे, टेक फॉर मीन्स किसी चीज़ को मान लेना होता है, तो ग्रांट कर लेना होता है, तो फिर यहाँ ये सी ऑप्शन बेहतर नहीं होगा, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका. इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शेल अटेंड द सेमिनार. आगे मैंने लिखा हुआ है कभी भी अगर दोनों क्लासेस आपके फ्यूचर में हो, यानी प्रिंसिपल क्लास भी फ्यूचर में हो और सबॉर्डिनेट क्लास भी फ्यूचर में हो, तो जो सबॉर्डिनेट क्लास होगी उसे सेक्रीफाइस करना होगा, यानी उसे विल या शैल को छोड़ना होगा. तो यहाँ इफ आई विल गेट नहीं होगा, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा. ये सारी वो वर्ड्स मैंने दिए हैं जिनके साथ आप विल या शैल का प्रयोग न करें अगर अगली क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास में आपको ऑलरेडी फ्यूचर का विल और शैल दिया गया, तो काम आएगा. ये अक्सर एग्जाम्स में आपको रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस, अगर तैयार करते हैं तो आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है आपके पास शी इंसिस्टेड ऑन शी वाज इनोसेंट. आपको चूंकि आपको याद रहता है कि इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, लेकिन इंसिस्ट के साथ ऑन तभी आप लगाएंगे जब उसके बाद वो चीज दी गई हो जिस चीज पे वो जोर दे रही हो, तो ऐसा तो है नहीं. तो सी इंसिस्टेड ऑन के बाद तो ऑन तो प्रीपोजिशन है, तो हमारे पास नाउन फ्रेज आना चाहिए. यहाँ नाउन फ्रेज नहीं, देखें ना, शी वाज इनोसेंट पूरी क्लास है आपकी, यानी उसने जोर दिया कि वह इनोसेंट है, मासूम है, निर्दोष है.
तो से इंसिस्टेड ऑन के बजाय पे से इंसिस्टेड दैट हो जाएगा, से इंसिस्टेड दैट, उसने जोर दिया कि शी वाज इनोसेंट, वो निर्दोष है, निष्कपट है, मासूम है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या एंड्योर से बेहतर कुछ है, क्योंकि एंड्योर मीन्स ये होता है आपको सहन कर लेना होगा व्हाट यू कैन नॉट क्योर, जिस चीज़ का आपके पास कोई समाधान नहीं होगा, यानी जिस चीज़ का कोई समाधान नहीं हो उसे आपको सहन ही करना है। तो क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे, कोई प्रपोजल तो है नहीं जो हम एक्सेप्ट करेंगे। प्रिवेल से कोई मतलब नहीं, प्रिवेल मीन्स होता है फैलना, व्याप्त होना, प्रचलित होना, इसका कोई मतलब नहीं है। और सफ़र नॉर्मली नेगेटिव चीज़ों के हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सफ़र का कोई मतलब नहीं है। यानी वाक्य हमारा सही है, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, यानी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोथ द टीम्स प्लेड यहाँ गेम रहेगा, सॉरी यहाँ पे प्लेड द गेम हो जाएगा, प्लेड द गेम फेयरली, ठीक है। अब यहाँ पे सब गेम्स लिखे हुए, तो पहला ऑप्शन है प्लेड फेयरली द गेम। आप समझ रहे होंगे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई एडवर्ब नहीं ले सकते हैं, तो ये ऑलरेडी ए आपका फिनिश हो गया। बी ऑप्शन है फेयरली प्लेड द गेम, फेयरली प्लेड सेम वही चीज़ है, फिर फेयरली पहले आ गया, प्लेड उसके बाद यानी आए, लेकिन आप ये समझते होंगे फेयरली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को नॉर्मली बाद में ले जाते हैं आपसे, क्यों, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है प्लेड अ फेयर गेम, सही है, यानी उन्होंने एक अच्छा गेम खेला। अब प्रश्न ये है कि क्या जो प्रश्न है प्लेड द टीम, प्लेड द गेम फेयरली, क्या ये गलत है? एक्चुअली गलत नहीं है, ये सही है आपके यहाँ पे, लेकिन चूंकि इम्प्रूवमेंट करना था इसलिए एसएससी ने इसे प्लेड द गेम फेयरली को प्लेड अ फेयर गेम के रूप में चुना। शायद वो एक ही खेल की बात करना चाह रहे थे, इसलिए प्लेड अ फेयर गेम चुना उन्होंने, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द अदर्स शुक देयर हेड्स एंड मेड वैग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, यानी दूसरे लोगों ने अपने सिर जो है हिलाए, सहमति में हिलाए, एंड मेड वैग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, और एक तरह से उन्होंने अस्पष्ट आवाजें दी अप्रूवल की कि वो इस चीज से सहमत है। तो आप जाने कि नॉट मीन्स होता है सहमति में सर हिलाना, हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग है लटकाना, तो अपने सर तो लटकाए नहीं होंगे उन्होंने, और टर्न अराउंड मीन्स होता है किसी बेहतर चीज़ के लिए अपना रुख बदल लेना, यानी उन्होंने सहमति में सर हिलाया ना। शुक क्या होता है, शुक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि शेक से बना है, शेक मीन्स होता है हाथ मिलाना, तो यहाँ हाथ मिलाने से तो मतलब है नहीं आपका। तो द अदर्स नॉडेड देयर हेड्स एंड मेड वैग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट देख रहे हैं, कलर चेंज हो गया है, यानी आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका आ गया। पहला क्वेश्चन है इसका आपका, ही हैज द फुल फैक्ट्स डैश बट इज डिलीवरेटली हाइडिंग देम। अब यहाँ आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अप हिज स्लीव, दूसरा ऑप्शन है अपान हिज स्लीव्स, तीसरा है अंडर हिज स्लीव्स, चौथा है इन हिज स्लीव्स। हम पहले समझते हैं ना, स्लीव मीन्स आस्तीन होती है, तो अपान हिज स्लीव्स आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद एक इडियम पढ़ा होगा, हैव समथिंग अप वंस स्लीव, मीन्स कोई गोपनीय योजना होना, कोई सीक्रेट प्लान होना। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं एक के अलावा वो कोई प्रोवर्ब है ही नहीं, प्रोवर्ब के रूप में केवल एक ही होता है एडियम के रूप में, अप वंस स्लेव, यानी ही हैज द फुल फैक्ट्स अप हिज स्लेव, यानी उसके पास सारी सच्चाई है, सभी तथ्य हैं जिनके लिए उसने प्लानिंग कर रखी है, बट लेकिन इज डिलिबरेटली हाइडिंग देम, लेकिन जानबूझ करके वो इन्हें क्या कर रहा है, छुपा रहा है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, अप हिज स्लेव मीन्स कोई सीक्रेट प्लान होना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, व्हेन द मॉर्निंग डैश द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। यहां जो एसएससी ने आंसर चुना है वो है ऑकवर्ड, जो यहां पे दिया नहीं गया है, नो इंप्रूवमेंट के स्थान पे यहां पे ऑकवर्ड रहेगा, तो यहां आप लिख लीजिएगा, यहां ऑकवर्ड हो जाएगा आपका, जहां नो इंप्रूवमेंट है ये आप इसे काट दीजिएगा और यहां हो जाएगा ऑकवर्ड, आकर्ड हो जाएगा। तो एसएससी ने आकर्ड चुना है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मॉर्निंग वास्तव में आकर होती है क्या? एक्चुअली उनका आकर इसलिए चुनने का ध्येय था क्योंकि उन्होंने मर्डर की बात की है, लेकिन वास्तव में इसका आंसर होना चाहिए था व्हेन द मॉर्निंग केम। मॉर्निंग जो है
वो एराइव भी हो सकती है, केन भी हो सकते हैं, नॉर्मली आकर नहीं हो सकती, लेकिन उनका आंसर आकर शायद मर्डर को ध्यान रख करके तो हमें मानना होगा. व्हेन द मॉर्निंग ऑकर्ड द मर्डर वाज डिस्कवर्ड, यानी यहाँ आंसर आपका ऑकर्ड हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द अपियरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाय डे. आप शायद ट्रांसलेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि जो शहर की सकल सूरत है, उसकी आबो हवा है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही होगी, बदल रही होगी, मीन्स बदल रही है. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं तो हमारा आसानी से हो सकता है द अपियरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाय. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड डैस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. हमें भरना है कॉल के साथ फॉर लेना है या बैक लेना है या ऑन लेना है या अप लेना है. चारों के मीनिंग्स देखते हैं. पहले देखते हैं कॉल फॉर. कॉल फॉर मीन्स जरूरी होना या किसी चीज़ की जरूरत होना, मांग होना होता है. कॉल बैक मीन्स होता है वापस बुला लेना या फिर किसी कॉल बैक करना. कॉल ऑन मीन्स होता है किसी से मिलने जाना या किसी को बोलने के लिए बुलाना. और कॉल अप मीन्स होता है याद दिलाना. ध्यान से वाक्य को देखें. द स्मेल ऑफ द सी, यानी उस सी की स्मेल ने कॉल्ड मीन्स क्या हो सकता है, कॉल्ड अप ही होगा. उस स्मेल ने उसे याद दिलाई. क्या याद दिलाई? मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, उसके बचपन की यादों को. यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल्ड अप. ये मैंने चारों के मीनिंग्स दी हैं, आप देख सकते हैं आगे. नेक्स्ट है आपका द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे डैश. पुलिस ने उस उपद्रवी भीड़ पर फायर कर दिया. कब? जब वो टर्न वायलेंट हो गए, मीन्स उपद्रवी हो गए, हिंसक हो गए, या फिर वो टर्न नॉइजी हो गए, मीन्स वो बहुत शोर करने लगे, या फिर बिकेम अब्यूसिव हो गए, मीन्स गालियां वगैरह बकने लगे, या फिर फिजल्ड आउट हो गए, मीन्स थक गए, बिल्कुल ऊर्जा खत्म हो गई, बेजान हो गए. तब आप सोच के देखें, पुलिस ने उन पर नॉइजी होने के लिए गोली नहीं चलाई होगी, अब्यूसिव होने के लिए भी गोली नहीं चलाई. किसी गाली देने पर आप गोली तो चला नहीं देंगे आप उस पर, वो भी पुलिस तो गोली नहीं चलाएगी. फिजल आउट पे तो बिल्कुल भी गोली नहीं चलाएगी. यानी यहाँ आंसर हो जाएगा द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे टर्न्ड वायलेंट, यानी जब वो हिंसक हो गए तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी. चलिए कलर चेंज हो गया, मीन्स ये आपका क्वेश्चन का सेगमेंट चेंज हो गया. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है जिसमें आपको एक चूज करना है ऑप्शन. तो है आपका पहला प्रश्न आपका वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ. जो व्यक्ति जस्टिस से, कानून से भागता है वो क्रिमिनल नहीं होता. क्रिमिनल तो एक अपराध ही है, उसका भागने से कोई रिलेशन नहीं. वो स्मगलर भी नहीं होता, स्मगलर तो तस्कर है, तस्कर ही करता है. थीफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थीफ का भागने से कोई मतलब नहीं, चोरी से उसका मतलब है. हाँ, फ्यूजिटिव से मतलब है. फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, जो कहीं से भागता हो, कानून से भागता हो, जस्टिस से भागता हो, न्याय से भागता है, फिर सेना वगैरह से भागता हो, वो फ्यूजिटिव होता है. शायद आप जानते हो जब हम परिस्थितियों से डर कर भागते हैं तो हम एस्केपिस्ट होते हैं, जब हम अपनी स्कूल से भागते हैं तो हम ट्रुएंट होते हैं, और जब हम सेना वगैरह से, कानून से भागते हैं तो हम फ्यूजिटिव होते हैं. तो यहाँ चूंकि कानून की ही बात की जा रही तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज. एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी प्रशंसा के काबिल होता है, वह व्यक्ति डिटेस्टेबल तो कतई नहीं होगा. डिटेस्टेबल मीन्स होता है घृणित, जिससे घृणा की जा सकती हो. लवेबल हो सकता है, लेकिन लवेबल का सेंस होता है जिससे प्यार किया जाए. जिससे प्यार किया जाए जरूरी नहीं उसकी प्रशंसा की जाए, और जिसकी प्रशंसा की जाए जरूरी नहीं उसके प्यार किया जाए, तो लवेबल नहीं होगा. डेस्पिकेबल देखते हैं. डेस्पिकेबल मीन्स होता है घृणित, नीच, तो यहाँ कतई नहीं हो सकता, ये तो नेगेटिव वर्ड है आपका. तो लॉडेबल हो जाएगा. लॉडेबल मीन्स प्रशंसनीय होता है, जिसकी प्रशंसा की जाती हो. तो अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज का आंसर हो जाएगा लॉडेबल. एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो प्रशंसा के काबिल हो वह लॉडेबल होता है. नेक्स्ट वन वर्ड है आपका वन हु इज स्किलफुल. एक ऐसा व्यक्ति जो दक्ष होता है, कुशल होता है, वो डेक्स्ट्रस होता है. समझते हो? डेक्स्ट्रस मीन्स कुशल होता है, दक्ष होता है. डिफरेंट से कोई मतलब नहीं, डिफरेंट मीन्स भिन्न होता है. डिसिप्लिन के कोई मतलब नहीं, अनुशासित होता है. अनुशासित होने से स्किलफुल नहीं हो जाता कोई. और डिलीजेंट भी नहीं होगा. डिलीजेंट में परिश्रमी होता है. परिश्रमी होने का मतलब स्किलफुल नहीं होता, क्योंकि परिश्रमी तो गधा भी होता है लेकिन घोड़े की तरह नहीं होता है. तो यहाँ वन हु इज स्किलफुल का हो जाएगा डेक्स्ट्रस, मीन्स जो कुशल हो, दक्ष हो.
नेक्स्ट है आपका ऑफ वंस ओन फ्री विल. वंस ओन फ्री विल, विल मीन्स यहाँ पे इच्छा. जब आप कोई कार्य अपनी इच्छा से करते हैं तो याद करें आप ऑब्लिगेटरी नहीं होते. ऑब्लिगेटरी क्या होते हैं, जब आप बाइंडिंग हो जाते हैं, मीन्स कहीं कहीं अबाइडिंग आपको होना पड़ता है, मीन्स कहीं कहीं आप बाध्य हैं कोई कार्य करने के. कंपल्सरी तो वो चीज़ होती है जो चीज़ आपको करनी है, कोई थिंग हो, कोई चीज़ हो जो आपको करना अनिवार्य हो. हाँ, वॉलंट्री हो जाएगा. वॉलंट्री मीन्स होता है ऐच्छिक, यानी अगर आप अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, स्वयं सेवा दे रहे हैं, तो आप वॉलंटरली कार्य कर रहे हैं, यानी आप वॉलंट्री को यहाँ आंसर चूज कर लीजिए. मैंडेटरी मीन्स भी अनिवार्य होता है, यानी जैसे आपको वोट देना आपके लिए मैंडेटरी हो सकता है, या फिर इतने सारे क्वेश्चंस करने मैंडेटरी हैं आपके लिए, तो ये सारे मैंडेटरी हो जाए. ऑब्लिगेटरी जो चीज़ें बाध्य हों, बाध्यकारी हों. कंपल्सरी जो चीज़ इसेंशियल हो वो कंपल्सरी होता है. तो ऑफ वंस ओन फ्री विल इज वॉलंट्री. वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अनुभव है, वो कौन है, वो वेटरन है या नॉविस है या एक्सपर्ट है या प्रैक्टिशनर है. पहले हम समझते हैं लॉन्ग एक्सपीरियंस से वेटरन का मतलब होता है. जैसे मैं बहुत सालों से, 27 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वेटरन मैं कहला सकता हूँ. नॉविस कौन होता है, जो नौसिखिया होता है, तो कतई नहीं होगा यहाँ पे. एक्सपर्ट कौन है, जो किसी एक चीज़ में दक्ष है, जिसने किसी चीज़ में पढ़ाई वगैरह की है और उसमें बहुत तेज हो गया है, वो बेहतर हो गया है, वो एक्सपर्ट हो गया है. प्रैक्टिशनर कौन होता है, जो अभी प्रैक्टिस ही कर रहा है, वो कैसे एक्सपीरियंस ले लेगा. इट मीन्स अगर लंबा अनुभव किसी के पास है तो वह शख्स केवल एक है, वो है वेटरन. यानी हमारा आंसर हो जाएगा वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इज वेटरन. अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट थिंग्स, पुरानी चीज़ों का, प्राचीन चीज़ों का, प्राचीन जो समय में चीज़ें थी उनका जो अध्ययन किया जाता है, जो सभ्यताएं वगैरह थी उनका अध्ययन, उस समय के जो लोग थे उनका अध्ययन जो होता है वो जुलासी में तो नहीं होता है, ये तो जीव विज्ञान है आपका. वो फिजियोलॉजी में तो कतई नहीं होगा, ये शरीर क्रिया विज्ञान है. इसमें शरीर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके से वो कार्य करते हैं ये इसमें बताया जाता है. वो एथनोलॉजी भी नहीं होगा. एथनोलॉजी मीन्स मनुष्य जो है उसको अलग अलग वर्गों में बांटकर, उसको प्रजातियों में बांट करके उसका जो अध्ययन किया जाता है वो एथनोलॉजी होता है. वो आर्कियोलॉजी हो जाएगा. आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विज्ञान, अर्थात पुरानी चीज़ें जो पुरानी सभ्यताएं वगैरह थी उनका जो अध्ययन होता है वो आर्कियोलॉजी मीन्स होता है. वैसे भी आप जानते हैं कहीं भी अगर आर्च लगा हुआ है इसके मीन्स ही पुराना, और आर्कियो मीन्स पुराना ही होता है, आर्च मीन्स मुखिया होता है. तो आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी. वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह होता है, पैसे वगैरह बहुत अधिक व्यय करता है, उड़ा देता है उन्हें, वह व्यक्ति इम्प्रोविडेंट होता है. इम्प्रोविडेंट मीन्स वो व्यक्ति होता है जो बहुत अधिक बेतहासा पैसे खर्च करता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है. वो व्यक्ति इम्प्रैक्टिकल तो नहीं, इम्प्रैक्टिकल मीन्स अव्यवहारिक होता है, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं. वो इम्प्रूडेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर के प्रति अगर वो केयरलेस है तो ऐसा नहीं कि वो बदतमीज है, धृष्ट हो गया, ढीठ हो गया. इम्प्रूडेंट मीन्स ढीठ होता है. इम्पोर्टेंट से कोई मतलब नहीं होना है. वो इम्पोर्टेंट मीन्स जो व्यक्ति क्षमताहीन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. यानी हमारा आंसर हो जाएगा वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर इम्प्रोविडेंट. कलर चेंज हो गया, मीन्स नेक्स्ट सेगमेंट है. ये एंटोनिम्स हैं आपके पास. पहला वर्ड है आपका एफेमिनेसी. एफेमिनेसी समझते होंगे, ये जो स्त्रियों जैसे गुणों वाले लोग होते हैं वो एफेमिनेट कहलाते हैं. यानी ऐसे गुण जो मर्दों में औरतों जैसे होते हैं उनके अंदर वो एफेमिनेसी कहलाता है. तो वो बोरिसनेस तो कतई नहीं होगा. बोरिसनेस मीन्स गंवारपन होता है. अट्रैक्टिव तो कतई नहीं होगा, ये कोई पॉजिटिव सिंबल तो है नहीं आपका, तो अट्रैक्टिवनेस भी नहीं हो सकता है. अग्रेसिवनेस भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं. अग्रेसिवनेस मीन्स होता है आपका वो आक्रामकता हो जाती है, तो ये ना ही हो. अगर एफिमिनेसी मीन्स स्त्रियों जैसा गुण है तो फिर मैनलीनेस हो जाएगा एंटोनिमिस का. मैनलीनेस मीन्स पौरुषत्व, यानी जो पुरुषों जैसे गुण रखता है वो मैनलीनेस से संबंधित होता है. तो हमारा एंटोनिम एफिमिनेसी का हो जाएगा मैनलीनेस. नेक्स्ट एंटोनिम आपको ढूंढना है प्लेसिड का. प्लेसिड मीन्स होता है शांत, तो डल तो उसी से मिलता जुलता है, नहीं हो सकता है. मूविंग हो सकता है, लेकिन और देखते हैं. हाँ, स्टॉर्मी. स्टॉर्मी मीन्स जो बहुत तेज़ी से आए, उथल पुथल भरा कर दे सब कुछ, वो स्टॉर्मी. अर्जेंट्स तो कोई मतलब है नहीं आपका. यानी प्लेसिड का मूविंग और स्टॉर्मी दो में से दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल एंटोनिम होगा आपका वो स्टॉर्मी हो जाएगा. तो प्लेसिड का एंटोनिम स्टॉर्मी हो जाएगा.
लास्ट एंटोनिम आपका वेसिलेशन, वेसिलेट से बना हुआ है वेसिलेशन, वेसिलेशन मीन्स होती है अस्थिरता, तो पहला ही वर्ड देखिए स्टेड से बना है, स्टेड फास्ट से, स्टेड फास्टनेस यानी स्थिरता, जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ता होती है, स्थिरता होती है तो वह स्टेड फास्टनेस होती है, तो वेसिलेशन का जो एंटोनिम है वो स्टेड फास्टनेस हो जाएगा। रिमोर्स समझते होंगे, पश्चाताप को हम कहते हैं, रिलीफ राहत को कहते हैं, और इनोक्यूलेशन जो है टीकाकरण होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए कलर फिर चेंज हो गया, एडियम्स एंड फेजेस आपके पास हैं। अनलेस यू मेक अमेंड्स फॉर द लॉस नोबडी इज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, यानी जब तक आप इस लॉस, इस हानि का भरपाई नहीं कर देते हो आप, तब तक कोई भी आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी यहाँ मेक अमेंड्स फॉर मीन्स क्षतिपूर्ति कर देना, ये एक idiom है, मेक अमेंड्स फॉर मीन्स कंपेंसेट करना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, तो मेक अमेंड्स फॉर क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेट करना। दूसरा idiom है अमित सेट टू रेखा डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, वो तिल का ताड़ बना देते हैं और राई का पहाड़ बना देते हैं, तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मीन्स होते हैं तिल का ताड़ बना देना। चारों ऑप्शन देखते हैं, स्टार्ट लुकिंग फॉर मोल हिल्स इन माउंटेन्स, तो ऐसा तो होगा नहीं आपका। अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, कोई मतलब नहीं इम्पॉसिबल टास्क को करने से यहाँ पे। क्रिएट प्रॉब्लम्स, समस्याएं खड़ी करना, कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। एग्जेजरेट अ माइनर प्रॉब्लम, हाँ एग्जेजरेट में समझते होंगे आप, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, और अ माइनर प्रॉब्लम इस छोटी समस्या, कोई छोटी मुसीबत, यानी कोई छोटी बात हो, छोटी समस्या हो, उसको एग्जेजरेट कर देना, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, इज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल हो जाएगा। यानी आंसर हमारा हो जाएगा मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का, एग्जेजरेट अ माइनर प्रॉब्लम, किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। नेक्स्ट idiom है आपका, इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी विद ऑफिस वर्क ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, यानी मेरी मदद करने को उसने जो वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, उसे पूरा करने के बजाय वो मुझे हाई एंड ड्राई छोड़ गया। हाई एंड ड्राई छोड़ गया यानी बिल्कुल अकेला छोड़ गया, अर्थात मैं अकेला रह गया उस कार्य को करने के लिए। तो लेफ्ट मी इन अ स्टेट ऑफ एंगर, क्रोध से इसका कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट मी अलोन टू डू द, हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा, लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, यानी मुझे वो अकेला छोड़ गया ये कार्य करने के लिए। लेफ्ट मी फीलिंग लाइक अ फूल, कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट मी विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी से कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि लीव मी हाई एंड ड्राई मीन्स होता है किसी को कार्य करने के लिए अकेला छोड़ जाना, उसकी मदद न करना, तो लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द रिपोर्ट रीच्ड द अथॉरिटी द मीडिया स्पिल्ड द बीन्स, शायद बहुत इजी होगा आपके लिए। स्पिल द बीन्स मीन्स होता है किसी रहस्य को उजागर कर देना, तो यहाँ ड्रॉप्ड द चार्जेस नहीं होगा, स्पिल्ड द कंटेंट ऑफ द पैकेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हिंटेड एट द कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम से कोई मतलब तो है नहीं आपका, रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यही हो जाएगा, रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है किसी गोपनीय बात को उजागर कर देना, तो स्पिल द बीन्स का हो जाएगा रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। लास्ट idiom एंड फ्रेजेस में, हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, बहुत बार आपके दोस्त होते हैं जिन्हें आप दोस्त समझते हैं वो आस्तीन के सांप निकल जाया करते हैं, तो अगर आस्तीन के सांप निकल जाया करते हैं तो वो अ स्नेक इन द ग्रास हो जाते हैं, यानी स्नेक इन द ग्रास मीन्स हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, यानी वो एक हिडन एनिमी है, यानी एक छिपे हुए शत्रु हैं आपके जिन्हें आप पहचान नहीं पाते हैं, तो आंसर ए ही हो जाएगा। लो एंड मीन से कोई मतलब नहीं है, वो घटिया और तुच्छ से कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। खावर्ली एंड ब्रूटल से कोई मतलब नहीं, कायरतापूर्ण और जो ब्रूटल मीन्स निर्दयतापूर्ण से कोई मतलब नहीं है। एंड एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब है जो स्नेक इन द ग्रास मीन्स कहीं कहीं वो ऐसा शत्रु जो आपके साथ ही रहता हो लेकिन आप उसे पहचान न पाते हो, मीन्स अ हिडन एनिमी हो जाएगा। चलिए कलर चेंज हो गया, मीन्स ये स्पेलिंग एरर्स आपके हैं। चार शब्द हैं मिलते जुलते, अगर आप डिफ्यूजन के स्पेलिंग जानते होंगे तो ए ऑप्शन चूज कर लेंगे आप, डी आई डब्ल्यू एफ यू एस आई यून। डिफ्यूजन मीन्स किसी चीज़ का प्रसार प्रचार होता है, इसके बहुत फैल जाना डिफ्यूजन को कहते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी होना चाहिए आपके लिए, सर्कमलोक्यूशन यानी घुमा फिरा करके बात करने की क्रिया, तो सी आई आर सी यू एम एल ओ सी यू टी आई एन होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा, सर्कमलोक्यूशन घुमा फिरा करके बात करना, एक idiom आपको याद होगा
बीट अबाउट द बुश, सेम सर्कमलोकेशन भी होता है जिसके मीनिंग होता है किसी बात को सीधे सीधे न कहना, घुमा फिरा करके कहना। चलिए लास्ट सेगमेंट सिनोनिम्स हैं आपके। पहला सिनोनिम है आपका पेरूज, मीन्स होता है पढ़ना, अध्ययन करना। तो रिड्यूस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिड्यूस मीन्स कटौती करना होता है, रीड हो जाएगा, रीड मीन्स होता है पढ़ना। आर्ग्यू नहीं होगा, आर्ग्यू मीन्स तर्क वितर्क करना होता है, फॉलो बिल्कुल नहीं होगा, फॉलो मीन्स अनुसरण करना होता है। तो पेरूज का जो सिनोनिम है वो रीड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बोर्ड। बोर्ड कई होता है, बोर्ड मीन्स किसी जहाज वगैरह में, बस वगैरह पे चढ़ना भी होता है। बोर्ड एक ऐसे थिन लॉन्ग फ्लैट किसी लकड़ी को भी कहते हैं, और बोर्ड जो है लॉजिंग वर्ड संबंधित होता है। लेकिन एसएससी ने जो यहाँ आंसर चुना है वो बोर्ड मीन्स भोजन चुना, जो सही है, क्योंकि बोर्ड भोजन होता है। जैसे आप कहीं पे टेम्प्रोरी तौर पे आप रहते हो और आपने किसी से कह दिया हो कि भाई आप मेरे से पैसा ले लिया करो और मुझे भोजन दे दिया करो, तो ये बोर्ड होता है। तो बोर्ड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा फूड हो जाएगा। और लास्ट सिनोनिम में आपका स्प्यूम। स्प्यूम में झाग होता है, तो झाग के मैंने आप समझते होंगे, फोम हो जाएगा यहाँ पे, पॉइजन आप समझते हैं, लीजिएगा नहीं कभी आप। लावा यहाँ वोल्केनो संबंधित है, और स्पिट मीन्स किसी के ऊपर थूकना होता है। तो स्प्यूम का जो सिनोनिम है वो फोम हो जाएगा। चलिए ये दिख रहे होंगे आप बिल्कुल ब्लैंक, यानी ये एक प्रयास है, 40 क्वेश्चंस थे आपके, ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से कर सकते हो। और सारी जो क्वेश्चंस आपने देखते जाएं, तैयार करते जाएं, चूँकि सीरीज में मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे 2015 के सेट के हैं आपके, 40 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, सीजल बेस्ड हैं। तो अगर आप तैयारी करते तो आगे जितने भी एग्जाम्स मिलेंगे सब में आप सफल हो सकते हैं। और मेरी ये कहते हैं आशीर्वाद कहिए या फिर जो भी दुआएं कहिए कि आप सफल हो जाएं, और ये इन्हीं के भरोसे हो जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं, तो निश्चित ही ईश्वर आपकी मदद करेगा। थैंक यू।